wanna see you, I don't wanna hear you tonight, I don't wanna fight you, you don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah, and your heart is out of sight. I just wanna feel mine. तो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे ये गोवा सीरीज़ का डे 2 और कल रात में बहुत थक गए थे यार। राइड से जो आए थे ना, जो हालत हुई थी हमारी, क्योंकि अंबोली घाट हम लोग को मिला था नाइट में और आप लोगों को सभी को पता है अंबोली घाट कैसा है, तो बहुत गंदा वाला थक गए थे। और इतना रात में आने के बाद भी हम लोग जगह टाइम पास किया क्योंकि भाई गोवा था, एक्सप्लोर करना था। तो आने के साथ ही जैसे फटफट फ्रेश हो गए सब लोग। और इधर अभी हम लोग रुके थे कैलंगेट में, तो कैलंगेट में थे तो भाई पहले ही बीच हमारे साइड में था, तो पहले वैसे नाइट में हम लोग निकल गए थे जैसे एक्सप्लोर करने के लिए। फिर रात में पूरा टाइम स्पेंड किया उधर और आज नई सुबह हुई है। तो आज से ऑफिशियली हमारी सुबह गोवा में हो रही है। और अभी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गया, अभी बस सब सोए हुए हैं, सभी के सभी सोए हुए, और मैं सोच रहा हूँ अभी मैं उठ ही गया हूँ तो भाई चलो कुछ ब्लॉग कर लेता हूँ। क्योंकि रात में मैंने तो कैलंगेट एक्सप्लोर कर लिया मगर आप लोगों को दिखाना बाकी था, तो बोला अभी जाके पहले आप लोगों को दिखा दो कैलंगेट कैसा है क्या है। तो मेरे होटल के पीछे ही है बोला कैलंगेट बीच, तो उधर ही जाने वाले, मतलब मैं जा रहा हूँ, बाकी सब तो सो रहे हैं, उन लोग के उठने तक मैं ये एक्सप्लोर करके आ जाऊँगा। तो अभी कैलंगेट को जा रहा हूँ, फटाफट रेडी हो रहा हूँ, बस मैं रेडी हो चुका हूँ। बस सोच रहा हूँ अभी का बाइक से जाओ क्योंकि पीछे पीछे बाइक लेके जाओ कि नहीं लेके जाओ वही सोच रहा हूँ और निकलता हूँ। तो अभी पहले सबसे पहले चाय पीता हूँ क्योंकि वह चाय पी रहा था भाई, तुमको मालूम मुंबई घर से, तो भाई पहले चाय पिएगा तो दिमाग फ्रेश होएगा, तो पहले चाय पी लेते हो और अभी निकलते हैं सीधा, चलो। ये कल रात में बाइक इधर पार्क किए थे हम लोग ने और प्रतीक के सामने लगी थी और चल के ही निकल रहा हूँ, बोला था ना बाइक वो सामने बीच हम लोग का, सामने बीच था तो बाइक लेने में सेंस नहीं बन रहा था, मैं बोला चलो ऐसे एक्सप्लोर कर लेंगे। एकदम पीस सामने बीच है, सभी लोग चालू हो गए जैसी सुबह हुई नहीं, सब जो लोग इधर टूरिस्ट के लिए आए थे, टूरिज़म करने के लिए आए थे, वो लोग सीधा चालू हो गए सुबह होते ही और हम भी उनमें से ही है। जैसी हमारी सुबह हुई भाई सब कुछ नहीं करना है, पहले जाके ब्लॉग करना है। तो और क्या नज़ारा है यार, इतना सुबह सुबह में क्राउड अच्छा खासा है। अभी ये कैमरा में आप लोग को नहीं दिख रहा होगा मगर जब मैं एकदम बराबर क्राउड वाले एरिया में जाऊँगा ना आप लोग को दिखाता हूँ, सुबह सुबह में अच्छा खासा क्राउड है। आज अब बाइक के ऊपर बीच चलाने मिल जाते हैं, अब बीच पे बाइक चलानी है, इसके ही मज़े हैं। कल शाम में शायद हम लोग इधर ही किधर तो रुके थे क्योंकि जो आई लव गोवा लिखा है, कल हम लोगों ने इधर से स्टोरी भी निकाली थी, तो जो लोग इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोगों ने देखा होगा, और जो लोग ने अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम को लोग फॉलो करो क्योंकि यूट्यूब से पहले क्या होगा भाई तुझे, क्योंकि अरे क्योंकि यूट्यूब से पहले मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट ज़्यादा जल्दी देता हूँ क्योंकि आप लोग सभी को पता रहेगा जो लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो कोई भी अपडेट सबसे पहले लेने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, और यूट्यूब तो भाई है ही। अगर ब्लॉग देखने तो भाई यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं आप लोगों को मेरा पूरा प्लान बता देता हूँ। मेरा जो प्लान है गोवा का वो 1 वीक का है पूरा, जिसमें से 1 दिन आने के लिए हो गया, 1 दिन जाने के लिए हो गया, टोटल मेरे पास बचे 5 दिन। 5 दिन में से जो हिसाब से मैंने सोच के रखा हूँ उसके अकॉर्डिंग 2 दिन मैं रहूँगा नॉर्थ में और बचे हुए 3 दिन मैं रहूँगा साउथ में। तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ बता देता हूँ। नॉर्थ में जो है, नॉर्थ आप लोगों को पता है कि एन्जॉय पार्टीज एंड ऑल करने के लिए नॉर्थ बहुत ज़्यादा फेमस है, सब यहाँ पे हो सकते हैं। ओहो सुबह सुबह हमको नया दोस्त मिल गया, चलाएगा साउथ में। चलो भाई, तो हाँ क्या बोल रहा था मैं, हाँ मेरे प्लान के बारे में। नॉर्थ में रुकने वाला हो 2 दिन और साउथ में रुकने वाला 3 दिन। नॉर्थ में जैसे मैं बता रहा पार्टी अगर करना रहेगा तो नॉर्थ बेस्ट प्लेस है एकदम, मतलब यहाँ से अच्छी पार्टी और कहीं नहीं होने वाली। तो पार्टी अनॉल करने के लिए मैंने बस 2 दिन रखा हूँ। और जो सिनेमैटिक्स काम होगा, जो ब्लॉगिंग होगा, जो नेचर, जो प्योर नेचर एक्सप्लोर करना होगा ना, वो पूरा साउथ में। तो इसके लिए 3 दिन उसके लिए दिया हो। तो मेरे को साउथ में रहने के बाद पूरा सिनेमैटिक फ़ोटोशूट, वीडियो शूट, जो भी है मेरा कंटेंट, वो सब बनाना है। और सब देखने के लिए मेरे को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यही सब मेरा अभी पूरा प्लानिंग है। तो आज तो फर्स्ट डे है, आज बस ओवरव्यू लेने आया था मैं क्या है। एंजॉय तो कल रात में ही चालू हो गया था हम लोग का, कल रात में फुल नाइट मचा है। और अभी आज देखेंगे क्या क्या करना है, और भी बहुत कुछ प्लान है मेरे, धीरे धीरे अपडेट देते रहूँगा। जैसे कि देख पा रहा हूँ ना, मेरे को बागा बीच और कैलंगट बीच बहुत नज़दीक लग रहा है यार। बागा बीच और सामने मेरे को बागा बीच का नाम दिख रहा है, और यहाँ पर कैलंगट है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ क्या आया हो तो कैलंगट एक्सप्लोर करके जाओ चुपचाप, क्या बागा भी कर लो। जब अभी आ ही गया हूँ और देख रहा हूँ सामने, तो चलो बागा भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। फिर बाद में जब आना होगा फिर दोबारा आएंगे, मगर अभी फ़िलहाल आ गया तो कर लेना सही बनता है। और क्या सही लग रहा है यार, एकदम शांति से आगे बैठने का इधर, बस वेव्स की आवाज़, शांत प्लेस, सुबह में मॉर्निंग, एकदम चिल लाइफ। ओके सो नाउ आई एम एट बागा बीच, और बहुत हार्डली 1 किलोमीटर भी होगा तो वो भी नहीं लग रहा, क्योंकि पीछे ही कैलंगट बीच और आगे बागा बीच है। तो ज़्यादा तो डिस्टेंस होगा ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को, ऑलमोस्ट सब सेम है यहाँ पे। वैसे इधर भी शैक्स है, बस बागा बीच पर लेट नाइट पार्टी बहुत तगड़ी होती है, तो उन्होंने कल रात में ही समझ लिए थे। कूल यार प्लीज़, तो आप लोगों को शैक्स के बीच में से चल के बता रहा हूँ। बस इतना ही होता है कि बहुत थक जाते हैं उधर, रेत जो है उधर बहुत सॉफ्ट है, चलने में ना बहुत तकलीफ होती है। यार यही ज़िंदगी जी रहे हैं यार, जीप वगैरह लेके बीच पे आ रहे हैं हम लोग, इधर बाइक लाने नहीं मिल रही है। क्या बोलूँ कितना बुरा लग रहा है, पर कोई ना कोई तो ऑफ बीट बीच रहेगा जिधर बाइक जाती रहेगी, तो जाएंगे एक्सप्लोर तो करेंगे। इतना पानी भी इतना साफ़ है इधर, देख सकते हो गए पानी एकदम साफ है, एकदम चिल, एकदम क्लीन। बस इतना ही हो रहा है कि सुबह में 9 बजने आ गया और गर्म बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बढ़ गया है फटक से। सो आई गेस अभी बस कर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा ही चल रहा हूँ मैं। बागा बीच भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया, तो सोच रहा हूँ अभी रिटर्न चला जाऊँ होटल पे अपने, और फिर वहाँ पे जाके ग्रुप के साथ रिटर्न आऊँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और मज़ा करने मिलेगी। सोलो तो मेरा बस एक मॉर्निंग वॉक हो गया यार, बट चलो मालूम पड़ा कैसा क्या है बागा बीच के बारे में। तुम लोगों को प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ, इधर बहुत कॉस्टली है। कल रात में हम लोगों ने कुछ ऑर्डर दिए थे, भाई साहब बहुत कॉस्टली है यहाँ पे बहुत। और शैक्स पे बैठने के लिए आपको जो है, शैक्स पे बैठने के लिए कुछ बाय करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट आपको सिर्फ बैठने के लिए नहीं देते, आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ता है, उसके बाद आपको शैक्स अलॉट करते हैं। तो वो एक चीज़ याद रखना, बाकी बस बाकी सब बढ़िया है। तो ये ब्लॉग को इधर ही एंड कर देता हूँ क्योंकि भूख लग रही है यार। So that's it for today guys, I hope you guys enjoy this video. If you enjoy, do like, share, comment, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। Till then, this is Shebaz signing off.